नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज हम आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा प्रश्न है पहला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन बताने हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, सट, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं। साथियों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अघोष। क्या कहते हैं उन्हें? अघोष कहा जाता है। अघोष वर्णों को बोलते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, इसे कंठोष्ठ बोला गया है। ओ का उच्चारण है कंठोष्ठ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उसमें आपको बताना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें जो वर्णों का व्यवस्थित समूह पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि। साथियों, ध्वनि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अयोगवा कहा जाता है, तो उसमें आपको बताना है विसर्ग को किसे कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? इसमें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताना है कि विराम चिन्ह कितने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 20 विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, विराम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना विराम का अर्थ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? छंदों में जब एक चरण समाप्त हो जाता है उस समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा छंदों में एक चरण की समाप्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कब आओगे में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तुम कब आओगे, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो कि इस तरह से बनता है। इसके बाद में अगला आता है, सदाचार में उपसर्ग है, सदाचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उसमें आपको बताना है सदाचार में सत उपसर्ग है, सत उपसर्ग। इसके बाद में अगला आता है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है?
अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो उसमें आएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, दशानन शब्द कौन सा शब्द है? दशानन शब्द कौन सा शब्द है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है, दशानन शब्द है योग रूढ़। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राकेश पढ़ता है कौन सा वाक्य है? राकेश पढ़ता है कौन सा वाक्य है? तो उसमें आपको बताना है, साधारण वाक्य। राकेश पढ़ता है, ये साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो उसका उत्तर होगा, 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुमोदन का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? अनुमोदन का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो उसके उत्तर में आपको बताना है, अपना समर्थन देना। अपना समर्थन देना अनुमोदन का सही पारिभाषिक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो इसके उत्तर में हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल पीड़ित का सामासिक विग्रह क्या होगा? अकाल पीड़ित का सामासिक विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। इसके बाद में आता है, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? साथियों आपको ध्यान रखना है, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए कौन सा शब्द उचित होगा? तो इसमें आएगा, प्रोषित पति का। प्रोषित पति का जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, कमज़ोर। कमज़ोर शब्द में उपसर्ग बताना है। कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है कम। कम उपसर्ग है कमजोर। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो इसमें जो कम लिखा है ये प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? उपसर्ग है। इसके बाद में अगला आता है, आँखों में चुभना। आँखों में चुभना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आँखों में चुभना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना। इसके बाद में नेक्स्ट है, आप जा सकता है। आप जा सकता है का शुद्ध रूप लिखिए। इसका शुद्ध रूप लिखना है कि सही क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं ये इसका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, दृश्य मनोयोग विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साथियों आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा गया है, दृश्य मनोयोग विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, टेकी स्टोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी के द्वारा दृश्य मनोयोग विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अलग हटकर चिंतन। सबसे अलग हटकर चिंतन किससे संबंधित है? सबसे अलग हटकर चिंतन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला आएगा, एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बच्चे के गलत काम को बदलने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है, अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर एक बच्चे के गलत काम को बदला जा सकता है। उसको अगर अच्छा नैतिक मूल्य का शिक्षण दिया जाए तो वो गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें आपको बताना है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद।
श्यांत्रस का स्थाई भाव क्या है? निर्वेद। अगला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? साथियों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है अक प्रत्यय। पाठक शब्द में अक प्रत्यय है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पाठ इसमें मूल शब्द है और उसके बाद में इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है अक प्रत्यय, तो बना पाठक। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, दोपहर का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट तुरंत प्राप्त हो जाए इसी प्रकार के और वीडियो की। इसके बाद में अगला प्रश्न है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने वीर गाथा काल का समय क्या माना है अपने काल विभाजन में? तो उसमें आपको बताना है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है जिसमें उन्होंने वीर गाथा काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 1350 ईस्वी माना है। इसके बाद में अगला आता है, छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य बताना है, छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य है छात्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? साथियों, ये छायावादी कवि हैं, याद रखना है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रानंदन जो पंत हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। धन्यवाद।